प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स पार्ट टू, और आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, यानी मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। आज हम सबसे पहले इन मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक जो रिलेशंस हैं इनको डिराइव करेंगे। तीन या पांच नंबर में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर दी मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, डिराइव देम। पांच नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्यारे बच्चों, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनको याद कैसे रखते हैं, यानी कि मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक जो स्क्वायर है उसकी सहायता से जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको भी बताऊंगा ताकि आप इन्हें याद रख सकें। बच्चों, शुरू से आखिर तक इस लेक्चर को आप जरूर देखना और इसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हैं क्या। आप जानते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर, वॉल्यूम और एंट्रोपी, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। इन्हीं के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें हम थर्मोडायनेमिक रिलेशंस कहते हैं, यानी रिलेशनशिप अमोंग दी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड एंट्रोपी, जो फर्स्ट और सेकेंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, हम उनका यूज करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इनको ड्राइव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्यारे बच्चों अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। सारे जो है खुद के नोट्स जो है जब आप बनाते हुए चलेंगे तो आपको समझ में भी आएंगे। हालांकि हैंड रिटन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हहैं। तो चलिए मुझे बताइए क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये था डी क्यू इट इज इक्वल टू, यानी कि जब कोई हीट किसी सिस्टम को सप्लाई करते हैं तो वो कुछ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाता है, साथ में कुछ वर्क डन, और वर्क डन होता है ये हुआ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन हमने एंट्रोपी की टर्म में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी समझ रखा है। तो वो क्या है, यानी कि यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो प्यारे बच्चों देखिए यहां पर हम जानते हैं कि दिस डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, यानी कि यहां पर अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें, क्योंकि दोनों का ही लेफ्ट साइड बराबर है तो फिर राइट साइड भी बराबर होगा, तो दीज टू इक्वेशंस कैन बी रिटन लाइक दिस। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं टी डी एस, जहां डी क्यू है वहां पर हमने टी डी एस लिख दिया है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तहत है, एंड इट इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये देखिए, अब आप यहां से देखिए, मैं यहां से डी यू को लेफ्ट साइड में ले आता हूं, यानी कि डी यू ये इंटरनल एनर्जी है यू, और इट इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ये देखिए पी डी वी टर्म को हमने यहाँ लेके आए, यानी कि ये टर्म होगी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन हो गई है। अब देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डी यू, डी एस और डी वी ये परफेक्ट डिफरेंशियल हैं, यानी कि आप क्या लिखेंगे, बट डी यू, डी एस एंड पी एंड डी वी आर दी परफेक्ट डिफरेंशियल। डी यू इट इज इक्वल टू करली यू बाई करली एक्स, या हम ये एक्स और वाई दो वेरिएबल लेके चल रहे हैं, एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी एक्स प्लस करली यू बाई करली वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डी वाई।
इसी तरीके से हम ds को लिख सकते हैं, ds को इस तरह से लिखेंगे, ds इज इक्वल टू कर्ली s बाई कर्ली x, ये दो वेरिएबल्स लिए हैं x और y, इनको हम बाद में चेंज करेंगे, ये देखिए dx प्लस कर्ली s बाई कर्ली y एट कॉन्स्टेंट x इंटू dy। सिमिलरली dv जो परफेक्ट डिफरेंशियल है उसे हम लिख सकते हैं, dv इट इज इक्वल टू कर्ली v बाई कर्ली x एट कॉन्स्टेंट y इंटू dx प्लस कर्ली v बाई कर्ली y एट कॉन्स्टेंट x इंटू dy। पुट दी वैल्यू ऑफ du, ds एंड dv इन इक्वेशन वन, वी राइट हियर। चलिए लिखते हैं du के स्थान पर हम लोग लिखेंगे ये, यानी कर्ली u बाई कर्ली x एट कॉन्स्टेंट y, मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ इस du के स्थान पर। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, अगर आप मेरे द्वारा जो भी मैं बता रहा हूँ और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आ जाएंगे, और अच्छा होगा कि आप अपने साथ साथ इनको लिखते भी जाएं, अगर इसको इन क्योंकि मैथमेटिकल स्टेप्स हैं तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। चलिए देखते हैं, ये लिख रहे हैं हम कर्ली यू बाई कर्ली एक्स कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी एक्स प्लस कर्ली यू बाई कर्ली वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डी वाई इट इज इक्वल टू, ये देखिए ये तो हमने डी यू के स्थान पर, इट इज इक्वल टू टी, हमने टी लिख दिया यहाँ पर, ये देखिए अब इंटू डी एस, तो डी एस के स्थान पर हम ये लिखेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे ये देखिए, इंटू कर्ली एस बाई कर्ली एक्स वाई कॉन्स्टेंट और इंटू डी एक्स, हमने टी से इसको मल्टीप्लाई, तो टी इसके साथ है तो फिर इसके साथ भी होगा, यानी कि प्लस टी इंटू कर्ली एस बाई कर्ली वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू डी वाई। ये देखिए हमने क्या कर दिया, टी इंटू डी एस, और डी एस की ये वैल्यू हमने रख दी है, टी इनके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब देखिए माइनस पी इंटू डी वी, चलिए माइनस पी, पी और डी वी की वैल्यू ये है, तो यहाँ में माइनस पी हमने लगा दिया है और साथ में ये जो है ट्रम है वो लिख देते हैं, डी वी बाई डी एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स और फिर माइनस, क्योंकि नेगेटिव साइन तो यहाँ है ही, और पी से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, पी इंटू कर्ली वी बाई कर्ली वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई। ध्यान रहे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें थर्मोडायनेमिक जो रिलेशंस हैं उन्हें हमें डिराइव करना है, और उसी के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताए हैं। पहले हमने दोनों थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ हैं उनकी सहायता से ये रिलेशन लिखा, और फिर ये जो परफेक्ट डिफरेंशियल हैं डी यू डी एस डी वी इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख दी हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको दो डी एक्स और डी वाई इनके जो कोफिशियंट हैं उनको इक्वेट कर देते हैं दोनों तरफ, यानी ऑन इक्वेटिंग दी coefficients of dx and dy on both sides, on equating coefficients of dx and dy on both sides, और जब हम इनको u by curly x y, अब हम dx जो है उसका कोफिशियंट इधर क्या है लेफ्ट साइड में, तो यही है, और राइट साइड में देखिए ये है जो मैं लिख रहा हूँ, इट इज इक्वल टू t इंटू कर्ली s बाई कर्ली x y। ये देखिए यहाँ पर ये dx का कोफिशियंट जो है ये है, और साथ में ये y dy का है, फिर ये बचता है, यानी कि माइनस p इंटू कर्ली v बाई कर्ली x एट कॉन्स्टेंट y, और उसके बाद ये ही देखिए dx के कोफिशेंट्स यही थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये था एक ये टर्म थी dx की। अब हम dy की देखते हैं, dy में ये है, इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर टू कर देते हैं, और ये देखिए यहाँ पर अब हम ले रहे हैं कर्ली u बाई कर्ली y एट कॉन्स्टेंट x, ये हम
dy के जो कोफिशिएंट्स हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, अब हम उनको इक्वेट कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में जो dy का कोफिशिएंट है वो ये है, वो हमने लिख दिया है। अब हम राइट साइड में देखते हैं, देखिए राइट साइड में dy का कोफिशिएंट एक तो ये है, इसको लिख देते हैं, यानी कि इट इज इक्वल टू t इंटू करली s बाई करली y एट कॉन्स्टेंट x, और फिर है माइनस p इंटू करली v बाई करली y एट कॉन्स्टेंट x। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 आ गई है। प्यारे बच्चों देखिए इस तरह से हमने dx और dy के जो कोफिशियंट्स थे उनको इक्वेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से डिफरेंशियल करेंगे, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो नाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, वी कैन राइट हियर दैट करली by करली y इंटू करली u by करली x, ये हमने इसको कर लिया है, दोनों ही तरफ हमें करना है इसको, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, जैसे तो लेफ्ट साइड में तो हमने ये लिख दिया है यहाँ पे, अब यहाँ राइट ये देखते हैं, जब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि करली t बाई करली y एट कॉन्स्टेंट x यहाँ है, और ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करेंगे तो इस टर्म को तो हम ऐसे ही लिख देंगे करली x एट y। देखिए क्या किया हमने, प्रोडक्ट फार्मूले से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वो लिख दिया हमने, प्लस सेकंड, सेकंड क्या है, सेकंड t है ही। देखिए हमने क्या किया है, ये फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसको हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है, यानी कि करली बाई करली वाई इंटू करली एस बाई करली एक्स वाई, ये देखिए इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, चाहे पहले फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया माइनस। अब देखिए इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे, देखिए फर्स्ट हमने एस एच ले लिया है, यानी कि करली पी बाई करली वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, फर्स्ट ऐसे ही लिख दिया है करली वी बाई करली एक्स एट फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, क्योंकि माइनस है प्लस सेकंड पी है ही, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि करली बाई करली वाई इंटू करली वी बाई करली एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। देखो हमने क्या किया है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और प्यारे बच्चों क्योंकि ये माइनस साइन हमने इसलिए लिया कि यहाँ पर माइनस था, यानी कि हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों साइड में। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 देख रहे हो इसको भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको यानी कि डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी राइट हियर, देखिए कैसे लिखेंगे वो देखिए, करली बाई करली एक्स इंटू करली यू बाई करली वाई एक्स, इसको हमने ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पर फिर वही, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि करली टी बाई करली एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, और फर्स्ट फंक्शन तो हमें ऐसे ही लिखना है करली एस बाई करली वाई इंटू एक्स, ये देखिए हमने कैसे लिखा, फर्स्ट इस फंक्शन, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, सेकंड कौन सा है, ये टी है, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि करली बाई करली एक्स इंटू करली एस बाई करली वाई एक्स, ये देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वही प्रोडक्ट फार्मूला प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये लिख दिया है। अब यहाँ पर इस टर्म को भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस, इसको तो एच सच ही लिख लेंगे, यानी कि करली पी वाई करली एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू, इसको देखिए ये एच सच ही लिख रहे हैं करली पी वाई करली वाई
y एट ए कॉन्स्टेंट x, यानी क्या किया, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस, प्लस है लेकिन यहाँ क्योंकि माइनस साइन पहले से है वो हम लिख दिया है, प्लस सेकेंड यानी कि p, इसको हम सेकेंड ले रहे थे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करली बाई करली x और इंटू करली v बाई करली y एट कॉन्स्टेंट x, इस तरह से। प्यारे बच्चों ये देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर ये आ गई है, इक्वेशन नंबर 4 और ये है इक्वेशन नंबर 5। अब आप इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का लेफ्ट साइड देखिए, ये और ये दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल हियर एंड सो वी कैन इक्वेट दीज इक्वेशन 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 5। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इन दोनों को इक्वेशन, देखिए सीधी सी बात यह है कि इक्वेशन 4 का जो लेफ्ट साइड है और इक्वेशन 5 का जो लेफ्ट साइड है वो बराबर है, तो फिर राइट साइड भी बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, जब इनको दोनों को हम बराबर लिख देंगे तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो टर्म है इसकी दिस, देखिए दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये वाली टर्म जो है हमारी ये दोनों बराबर हैं तो इनसे ये कैंसिल हो गई। साथ में आप देख रहे हैं इक्वेशन 4 की ये टर्म इसके साथ, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लिख देते हैं। तो देखिए तो इसमें क्या बच गया है वो लिख लीजिए, मैं पहले लिख रहा हूँ ये, यानी कि कर्ली टी बाई कर्ली वाई, इसमें तो ये टर्म बच जाती है। देखिए इन दोनों को हम, मैं बता रहा हूँ आपको, इनको इक्वल कर दिया है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, जो इक्वल थे उनको हमने कैंसिल कर दिया है, तो इसमें जो बचा हुआ है ये एक तो ये टर्म बच रही है, इसको हम लिख देते हैं कर्ली टी बाई कर्ली वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू कर्ली एस बाई कर्ली एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, ये देखिए, और माइनस ये टर्म भी बची हुई है कि कर्ली पी बाई कर्ली वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू कर्ली वी बाई कर्ली एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, ये तो लेफ्ट साइड में बचा हुआ है, और राइट साइड में इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है वो देख लीजिए, एक हमारे पास ये बच रहा है ये टर्म कर्ली टी बाई कर्ली एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू कर्ली वाई, ये देखिए कर्ली एस बाई कर्ली वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, ये टर्म हमने लिख दी है लेकिन एक टर्म ये और बची हुई है, इसको भी लिख देते हैं, माइनस कर्ली पी बाई कर्ली एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई कर्ली वी बाई कर्ली वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, ये देखिए ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 बन रही है, और यही मैं इम्पोर्टेंट इक्वेशन जो है ये हमारे जो मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक जो रिलेशंस हैं उनको ड्राइव करने में हेल्प करेगी। यहाँ हम जो x और y लेके चले हैं ये वेरिएबल्स हैं, और हम जानते हैं कि जो मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, वो चार हैं, कौन कौन से हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और एंट्रोपी है। तो अब इनमें दो दो की कम्बिनेशन ले करके और इसमें हम रख देंगे और हमारे पास जो भी रिलेशन्स बनेंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे, उन्हीं रिजल्ट्स को हम कहेंगे मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, और इस तरह से हम उनको प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वन बाय वन करके हम कम्बिनेशंस ले रहे हैं, और सबसे पहला ही केस, या यूं कहिए कि सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी ले रहे हैं हम, वो एक्स पी और वाई को हम v ले रहे हैं। देखिए अब ये वैल्यूज जो है इस रिलेशन में रख लीजिए, देखिए आपके सामने पहली जो मैक्सवेल रिलेशन है वो आ जाएगी, चलिए देख लेते हैं। हम लिख रहे हैं कर्ली टी बाई कर्ली वी, वाई वाई के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, वी एट कॉन्स्टेंट एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर पी, इंटू कर्ली एस बाई कर्ली एक्स का मतलब पी एट कॉन्स्टेंट वी, माइनस कर्ली पी बाई कर्ली वाई यानी कि वी एट कॉन्स्टेंट एक्स, एक्स हमारे पी है यहाँ पर, ये देखिए कर्ली वी बाई कर्ली एक्स यानी कि पी एट कॉन्स्टेंट वाई इज इक्वल टू
कर्ली टी बाई कर्ली एक्स यानी कि पी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू कर्ली एस बाई कर्ली वाई, वाई क्या है वी, कर्ली वी एट कॉन्स्टेंट पी क्योंकि एक्स क्या है पी ई, इनको हमें ये वेरिएबल्स रख रहे हैं एक्स और वाई, यानी पहली जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हम बना रहे हैं, पहले ये लिया है देखते हैं ये हो गया है, माइनस कर्ली पी बाई कर्ली एक्स, एक्स के स्थान पर हम पी लिख रहे हैं, इंटू कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर वाई यानी कि वी, और इसी तरीके से कर्ली वी बाई कर्ली वाई, वाई क्या है यहाँ पर वाई आपके सामने है वी, कर्ली वी कर्ली वी, और एट कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर एक्स, तो हम एक्स को पी कर देंगे। और प्यारे बच्चों देखिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप देखिए यहाँ पर हम एच सच लिख देते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष बात है नहीं, इसलिए कर्ली टी बाई कर्ली वी इसको हमने एच सच लिख दिया है पी इंटू कर्ली एस बाई कर्ली पी एट कॉन्स्टेंट वी, लेकिन यहाँ देखने की बात है या क्या है कर्ली पी बाई कर्ली वी एट कॉन्स्टेंट पी, यानी कि जो वेरिएशन है वो पी में है और पी को हम क्या ले रहे हैं कॉन्स्टेंट, तो ये टर्म क्या हो जाएगी ये तो जीरो हो जाएगी भाई, पी को जब हमने कॉन्स्टेंट ले लिया है और कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो जीरो होता है, ये जीरो होने से ये टर्म क्या हो गई है जीरो हो गई है। अब हम राइट साइड में चलते हैं, लेफ्ट साइड तो हमारी पूरी हो गई, यहाँ पर देखिए कर्ली टी बाई कर्ली पी यहाँ पर कोई विशेष बात है नहीं, हम एच एच लिख देते हैं कर्ली टी बाई कर्ली पी और एट कॉन्स्टेंट वी इंटू कर्ली एस बाई कर्ली वी एट कॉन्स्टेंट पी। अब यहाँ देखने की बात है, देखिए कर्ली पी बाई कर्ली पी है तो ये तो वन हो गया है, कर्ली वी बाई कर्ली वी है ये भी वन हो गया है, यानी कि माइनस वन आप इसे कह सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन आ गया है, और इस रिलेशन को हम बाद में देखेंगे हम इन्हें याद कैसे रखते हैं, वो जो शॉर्टकट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला रिलेशन कैसे किस कम्बिनेशन के साथ आया है, जब हम x को p और y को v किया है। चलिए नेक्स्ट जो क्या पॉसिबिलिटी होती है हम उसको लिखते हैं, देखिए इस बार हम क्या कर रहे हैं जो वेरिएबल्स हैं हमारे x की जगह हमने s लिया है और y की जगह हमने p वेरिएबल लिया और बाकी कुछ नहीं है, बाकी बिल्कुल ऐसे ही ये वैल्यूज। अब हमारी ये जो इक्वेशन नंबर जो 6 है ये क्या बन जाएगी, ये वेरिएबल रखने के बाद बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है, ये रिलेशंस ड्राइव करने बाद जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जैसे अभी हमने कहा था x की जगह p, y की जगह v, अब हम ले रहे हैं x की जगह s और y की जगह p, अब इनको इक्वेशन 6 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 6 गिव्स दिस, इक्वेशन 6 गिव्स, देखिए यहीं से शुरुआत कर देते हैं, कर्ली टी बाई कर्ली वाई, वाई क्या है पी एट कॉन्स्टेंट एस, इसको ध्यान रखना है, इनटू ये देखिए कर्ली एस बाई कर्ली एक्स, एक्स के स्थान पर एस ही है आप समझ गए मैं क्या लिखूंगा, और वाई क्या है यहां पर पी, माइनस ये देखिए कर्ली पी बाई कर्ली वाई एट कॉन्स्टेंट एस इंटू कर्ली वी बाय कर्ली एक्स, और एक्स यहाँ पर एस है कर्ली एस एट कॉन्स्टेंट वाई यानी कि पी इज इक्वल टू ये देखिए कर्ली टी बाय कर्ली एक्स, एक्स यहाँ पर एस है और इंटू वाई, वाई की जगह आप पी लिख सकते हैं, इंटू कर्ली एस बाय कर्ली वाई, वाई पी है एट कॉन्स्टेंट एस इज माइनस कर्ली पी, ये देखिए मैं साथ साथ में इधर देख करके ये पॉइंट्स हैं वही लिख रहा हूँ, कर्ली पी बाई कर्ली एक्स और एक्स एस है एट कॉन्स्टेंट वाई, वाई पी है इंटू कर्ली वी बाई कर्ली वाई, वाई यहाँ पर पी है एट कॉन्स्टेंट एस। तो प्यारे बच्चों ये देखिए कुछ नहीं किया मैंने, ये जो जो सेकेंड पॉसिबिलिटी थी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की एक्स और वाई के स्थान पर, उनको इक्वेशन 6 में रखा है। अब हम देखते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ कर लिया एस वाई कर लिया ऐसा है कॉन्स्टेंट पी है तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचता है हमारे पास कर्ली टी बाई कर्ली पी एट कॉन्स्टेंट एस, ये 1 हो गया है ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
यहां पर क्या है, कर्ली पी बाई कर्ली पी ये वन हो गया, कॉन्स्टेंट ऐसे तो कोई बात नहीं, ये तो वन हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, माइनस कर्ली वी बाई कर्ली एस एट कॉन्स्टेंट पी। ये चलिए अब हम चलते हैं राइट साइड में, आप यहां देख रहे हैं कर्ली टी बाई कर्ली एस एट कॉन्स्टेंट पी, तो इसको भी हम लिख देते हैं, यानी कि कर्ली टी बाई कर्ली एस एट कॉन्स्टेंट पी। और यहां पर देखिए, यहां देखने की बात, अब आप यहां से कि कर्ली एस बाई कर्ली पी एट कॉन्स्टेंट एस है, यानी कि एस कॉन्स्टेंट है, तो फिर कॉन्स्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो, तो फिर ये टर्म तो सारी ही जीरो हो जाएगी ना, तो यहां पर हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये टर्म जीरो हो गई है। अब हम यहां देखते हैं, ये टर्म तो जीरो हो गई, यहां पर देखिए कर्ली पी बाई कर्ली एस एट कॉन्स्टेंट पी, जब पी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है फर्स्ट वो जीरो होता है, तो ये जीरो, यानी कि ये जो राइट साइड की दोनों टर्म्स हैं ये जीरो हो चुकी हैं, हमने इसको ऐसे लिख दिया है। और इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्ली टी बाई कर्ली पी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू, इस टर्म को हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं और ये हो जाएगा कर्ली वी बाई कर्ली एस एट कॉन्स्टेंट पी। और इस तरह से प्यारे बच्चों ये एक और हमारे पास मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन आ गया है जिसे हमें याद रखना है। ये इक्वेशन नंबर 6-7 थी और ये इक्वेशन नंबर 8 है, एक और हमारे पास थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल्स रिलेशन ड्राइव हो चुका है। चलिए नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की वो लिख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड जो पॉसिबिलिटी हम ले रहे हैं, एक्स को हम वी ले लेते हैं और वाई को हम टी ले लेते हैं, ये भी तो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है ना। अब देखते हैं हमारी इक्वेशन जो 6 है वो क्या बनती है, कोई बात नहीं है, बस ये वैल्यूज रख दी, जहां एक्स है वहां पर वी और जहां वाई है वहां पर टी, और फिर देखते हैं। चलिए यहां से देखिए, ये कर्ली टी बाई कर्ली वाई, वाई क्या है टी, तो कर्ली बाई, ये देखिए ये हो गया, कोई बात नहीं, और एक्स क्या है वी। अब यहां पर देखिए, इन टू कर्ली एस बाई कर्ली एक्स कर्ली वी एट कॉन्स्टेंट क्या है वाई, वाई क्या है यहां पर टी, माइनस ये देखिए कर्ली पी बाई कर्ली वाई, वाई क्या है यहाँ पर वाई है टी, तो कर्ली टी और एक्स कॉन्स्टेंट है यानी कि वी कॉन्स्टेंट हो गया, इंटू कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, एक्स मीन्स वी, ये देखिए वी और कॉन्स्टेंट वाई यानी कि टी, ये तो हमारी ये वाली टर्म हो गई। इट इज इक्वल टू ये देखिए कर्ली टी बाई कर्ली एक्स, और एक्स है हमारे पास वी, वो लिख दिया है, और कॉन्स्टेंट है वाई यानी कि टी, ये देखिए इनटू, हालांकि आप समझ गए होंगे कि कुछ टर्म्स यहाँ जीरो हो जानी है, वाई वाई के स्थान पर हम टी लिख रहे हैं, एट कॉन्स्टेंट एक्स एक्स वी है, माइनस कर्ली पी बाई कर्ली एक्स और एक्स यहाँ पर वी है, एट कॉन्स्टेंट वाई यानी कि टी, इनटू कर्ली वी बाई कर्ली वाई, वाई क्या है टी, एट कॉन्स्टेंट एक्स, एक्स यहाँ पर वी है, ये देखिए बिल्कुल रटना नहीं है, रट करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कुछ याद नहीं होगा और कुछ पेपर में बहुत कुछ ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे आप और गलतियाँ कर देंगे, लेकिन समझना है इन रिलेशंस को हमें कैसे याद रखना है वो मैं थर्मोडायनेमिक स्क्वेयर लेक्चर के एंड पर या फिर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हमें आपको समझाऊंगा कि इन रिलेशंस को जो हमारे मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक के रिलेशंस हैं उन्हें हमें कैसे याद रखना है। प्यारे बच्चों, सिर्फ दो ही हमारे चैनल्स हैं, आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाई आईसी सर, तो कुछ लेक्चर आपके इस चैनल पे मिल जाएंगे तो कुछ उस पर, लेकिन कंप्लीट सिलेबस जो है आपका इन दोनों ही चैनल्स पर उपलब्ध रहेगा, मिल सकता है, और आपके हैंड रिटन नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मोटिवेशन लेक्चर के साथ साथ एग्जाम्स कैसे तैयारी करें इससे संबंधित वीडियोस भी आपको मिलेंगे। चलिए हम लोग लिख रहे हैं, मैंने जैसा पहले बताया था ठीक वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कर्ली टी बाई कर्ली टी, ये तो वन हो गया है क्योंकि, तो फिर ये इसको लिख देते हैं हम, यहाँ क्या लिखेंगे कर्ली एस बाई कर्ली वी एट कॉन्स्टेंट टी, और ये क्या हो गया है ये वन हो गया। अब यहां पर देखिए माइनस कर्ली पी बाई कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट वी है और ये वन हो गया है क्योंकि कर्ली वी बाई कर्ली वी है तो वन हो गया, कैंसिल हो गया ना एक दूसरे से, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे कर्ली पी बाई कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट वी।
ये तो लेफ्ट साइड में हो गया, अब हम चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड में ये देखिए कर्ली टी बाई कर्ली वी एट कॉन्स्टेंट टी, टेम्परेचर को हम यहाँ कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो इसका जो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन होगा वो तो जीरो होगा, तो ये टर्म तो हो गई हमारी जीरो, कोई बात नहीं हम जीरो लिख देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी देखने की प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए कर्ली वी बाई कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट वी, यानी कि यहाँ वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो फिर कॉन्स्टेंट का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन जीरो, तो ये दोनों ही टर्म जीरो हो गई हैं। और इस तरीके से हम इसे लिख पाएंगे कि कर्ली एस बाई कर्ली वी एट ए कॉन्स्टेंट टी इट इज इक्वल टू कर्ली पी बाई कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट वी। और इस तरीके से ये हमारी एक और मैक्सवेल्स थर्मोडाइनेमिक रिलेशन हो गया है, हमने इन वेरिएबल्स के साथ जब हमने वी और वी को वाई को टी लिया है तो ये एक रिलेशन आ गया है। और नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी हो सकती है इनकी कम्बिनेशंस की वो देख लेते हैं। केस फोर देखिए, इस बार हम एक्स को टी ले लेते हैं और वाई को एस ले लेते हैं, ये एक और पॉसिबिलिटी हमारी बनती है। अब देखिए इन वेरिएबल्स के साथ हमारी इक्वेशन सिक्स क्या बन जाती है, चलिए देखते जाइए इन इक्वेशन में, जल्दी जल्दी आप लिखते जाइए। कर्ली टी बाई कर्ली वाई कर्ली एस एट कॉन्स्टेंट एक्स यानी कि टी इंटू कर्ली एस बाई कर्ली वाई, एक्स के स्थान पर हम टी लिख रहे हैं वाई एस है, माइनस कर्ली एस बाई कर्ली एस एट कॉन्स्टेंट टी। ये देखिए मैं, आप समझ सकते हैं ये चीज़ें मैं साथ साथ इधर से लिख रहा हूँ, इंटू कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, एक्स और एक्स के स्थान पर तो हमने लिख ही दिया है टी एट कॉन्स्टेंट वी, यानी वी वाई के स्थान पर है एस, और राइट साइड में इट इज इक्वल टू कर्ली टी बाई कर्ली एक्स, और एक्स के स्थान पर आप समझ सकते हैं बार बार रह जाता है, एक्स के स्थान पर हम लिख रहे हैं टी एट कॉन्स्टेंट वाई, वाई के स्थान पर एस इंटू कर्ली एस बाई कर्ली वाई यानी एस एट कॉन्स्टेंट एक्स, और एक्स है टी, माइनस कर्ली पी बाई कर्ली एक्स और एक्स के स्थान पर टी एट कॉन्स्टेंट वाई यानी एस, और यहाँ है कर्ली वी बाई कर्ली वाई, वाई है एस एट कॉन्स्टेंट एक्स है टी। ये देखिए अब आप थोड़ा सा इसको बारीकी से देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए कर्ली टी बाई कर्ली एस है, टी कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या है कॉन्स्टेंट का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए ये टर्म हमारी जीरो हो गई है, नो प्रॉब्लम, ये जीरो हो गई इन टू, यहाँ पर आइए ये वन हो गया है। ये देखिए कर्ली एस बाई कर्ली एस कॉन्स्टेंट टी, ये तो वन हो गया है, इसको लिख देते हैं हम कि माइनस कर्ली वी बाई कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट एस। और फिर हम चलते हैं राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड तो हमारी बात पूरी हो गई है, राइट इस रिलेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस एन कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए ये माइनस साइन को इधर ले आते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि कर्ली पी बाई कर्ली एस एट कॉन्स्टेंट टी इंटू कर्ली वी बाई कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट एस, और ये माइनस साइन है इसको हम इधर लेफ्ट साइड में ले आए हैं, इट इज इक्वल टू कर्ली पी बाई कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट एस इंटू कर्ली वी बाई कर्ली एस एट कॉन्स्टेंट टी। और प्यारे बच्चों ये एक और हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन, हमारा ये फोर्थ रिलेशन, हमने जो पॉसिबल कम्बिनेशंस जो भी बन पाते हैं वो लिख रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारी कम्बिनेशन जो है वो क्या है। जो फिफ्थ पॉसिबिलिटी ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एक्स को एस और वाई को अब हम वी ले रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही ये वैल्यूज अब आप इक्वेशन नंबर सिक्स में रख दीजिए, चलिए देख लेते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर सिक्स, यानी कि एक्स के स्थान पर ये और वाई के स्थान पर ये, और हमारे पास ये इक्वेशन नंबर सिक्स देखिए कर्ली टी बाई कर्ली वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू कर्ली एस बाई कर्ली वाई, यदि कर्ली एस ही है यहाँ पर क्योंकि एक्स के स्थान पर हम एस रख रहे हैं, एट कॉन्स्टेंट वाई, वाई की जगह वी रख रहे हैं, माइनस ये देखिए कर्ली पी बाई कर्ली वाई की जगह वी एट कॉन्स्टेंट एक्स, एक्स के स्थान पर एस, और यहाँ से देखिए इंटू कर्ली वी बाई कर्ली एक्स एस एट कॉन्स्टेंट वाई यानी कि वी, और इट इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए
कर्ली टी बाई कर्ली एक्स, और एक्स के स्थान पर हम एस लिख रहे हैं और वाई कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, और वाई है हमारे पास वी इंटू कर्ली एस बाई कर्ली वाई कर्ली वी और एक्स माइनस कर्ली पी बाई कर्ली एक्स एट कॉन्स्टेंट वी इंटू कर्ली वी बाई कर्ली वाई कर्ली वाई के स्थान पर कर्ली वी, और कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर एक्स, और एक्स जो है ऐसे है ये देखिए। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए इन चीज़ों को, यहाँ से देखिए कर्ली टी बाई कर्ली वी एट कॉन्स्टेंट एस कोई बात नहीं, और ये वन हो जाता है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो हम लिखेंगे कर्ली टी बाई कर्ली वी एट कॉन्स्टेंट एस, ठीक है ये वन हो गया है। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर एक जो पॉइंट है आप देखने का, कर्ली वी बाई कर्ली एस है एट कॉन्स्टेंट वी है, यानी कि वी कॉन्स्टेंट है तो इसका जो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन जीरो, तो उसकी वजह से ये टर्म जीरो हो जाएगी हमारे पास, तो कोई बात नहीं माइनस जीरो। इट इज इक्वल टू, अब हम आते हैं यहाँ, यहाँ पर देखिए कर्ली एस बाई कर्ली वी है एट कॉन्स्टेंट एस है, यहाँ फिर एस कॉन्स्टेंट है तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, नो प्रॉब्लम ये टर्म भी जीरो हो गई है। माइनस यहाँ पर देखिए कर्ली वी बाई कर्ली वी ये तो वन हो गया है, और ये टर्म बचती है इसको हम लिख देते हैं, यानी कि कर्ली पी बाई कर्ली एस एट कॉन्स्टेंट वी, और इस तरीके से आपके पास ये एक रिलेशन बन गया है। इसे भी हम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर ये 10 थी, इसको इक्वेशन हम 11 का कहते हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं एक और पॉसिबिलिटी, और देखिए आपने जितनी भी पॉसिबल कम्बिनेशन बनता है एक्स और वाई का थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के रूप में, उनको हम बनाते जा रहे हैं। चलिए एक और कम्बिनेशन देख लेते हैं। देखिए सिक्स्थ जो पॉसिबिलिटी हम ले रहे हैं, एक्स को पी और वाई को हम टी ले रहे हैं। ये वैल्यूज लेने के बाद अब हमारी ये जो इक्वेशन नंबर सिक्स है वो क्या बन जाती है वो देख लेते हैं। चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये देखिए कर्ली टी बाई कर्ली वाई, वाई है ये कर्ली टी, नो प्रॉब्लम हमने लिख दिया है, और एक्स कॉन्स्टेंट है ये देखिए, इंटू ये देखिए कर्ली एस बाई कर्ली एक्स, और एक्स तो पी है एट कॉन्स्टेंट टी, माइनस कर्ली पी बाई कर्ली वाई टी एट कॉन्स्टेंट पी, क्योंकि एक्स है ये, और ये देखिए ये क्या है कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, और एक्स यहाँ पर पी है वो लिख दिया है एट कॉन्स्टेंट टी। अरे बच्चों देखिए यहाँ पर हमने एक्स और वाई की वैल्यूज रख दी हैं, अब हम राइट साइड में चलते हैं, यानी कि इट इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये क्या है कर्ली टी बाई कर्ली एक्स, यानी कि कर्ली पी एट कॉन्स्टेंट वाई यानी कि टी, इंटू फिर कर्ली एस बाई कर्ली वाई, वाई के स्थान पर टी एट कॉन्स्टेंट एक्स, और एक्स के स्थान पर हम जानते हैं पी, माइनस कर्ली पी बाई कर्ली एक्स एट कॉन्स्टेंट टी, इंटू कर्ली वी बाई कर्ली वाई, वाई है टी एट कॉन्स्टेंट एक्स, और एक्स है पी। तो प्यारे बच्चों ये देखिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम लोग देख रहे हैं ये कर्ली टी बाई कर्ली टी ये तो वन हो गया है, तो ये टर्म लिख देते हैं, यानी कि कर्ली एस बाई कर्ली पी एट कॉन्स्टेंट टी ये टर्म, क्योंकि ये तो वन हो गया है। यहाँ पर देखिए कर्ली पी बाई कर्ली टी है, यहाँ पर पी कॉन्स्टेंट है, और किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ वो हमेशा जीरो होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसलिए ये टर्म क्या हो गई जीरो, नो प्रॉब्लम ये टर्म जीरो हो चुकी है हमारे पास। इट इज इक्वल टू, अब हम राइट साइड में चलते हैं, यहाँ पर देखने की बात ये है कि कर्ली टी बाई कर्ली पी, लेकिन यहाँ टी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो तो जीरो होता है, इसलिए ये भी जीरो हो गई है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर्ली पी बाई कर्ली टी ये तो वन होगी ही ये टर्म तो, और ये देखिए माइनस कर्ली वी बाई कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट पी, यहाँ पर हम इस जीरो को अगर हटा देते हैं तो एक और हमारे पास रिलेशन आ जाता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में, जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो इस तरह से जो डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन बन रही हैं वो कहलाती हैं मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशन। These are the relations
among the thermodynamic variables which are set up by the Maxwell's. That is why these are called Maxwell's thermodynamic relations, jinhe humne prove kiya hai baqaida using the thermodynamics ke laws. और बहुत ही इजी तरीके से आपने इनको समझ लिया होगा. लेकिन आप कह रहे सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत सी टर्म्स आ चुकी हैं, इनको हम याद कैसे रखेंगे. तो प्यारे बच्चों, एक शॉर्टकट की एक स्क्वायर के रूप में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप गेट नेट या जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हैं उनमें, हम इनको कैसे याद रखें, इसकी क्या शॉर्टकट ट्रिक है, वो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, वीडियो रहेगा, उसमें मैं बताने वाला हूं. और के साथ ही हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं, उन पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है. तो इन के लिए आपको प्यारे बच्चों, हमारा ये जो चैनल है आईसी सर फिजिक्स, और इसका जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे वो फिजिक्स बाई आईसी सर, उस चैनल के ऊपर उपलब्ध होंगे. तो इन दोनों को ही आप कॉन्टैक्ट में रहें, दोनों को ही आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन आप प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरीके से तैयार कर सकें. आप अपने सजेशंस जो हैं कमेंट्स के करके हम तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं, जिससे आने वाले जो लेक्चर्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है और साथ साथ में हमें एनर्जी भी मिलती है. प्यारे बच्चों, इन दोनों ही चैनल्स का अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कर लीजिए. तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ थर्मोडायनामिक के पोटेंशियल और इनकी जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, इन थर्मोडायनामिक के मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक रिलेशंस को हम लोग कैसे याद रखें, उन पर आधारित वो लेक्चर रहने वाला. थैंक यू वेरी मच.